अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकं वंदेयं श्री गुरौ श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखापितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के संध्याकालीन सत्र में। तो बेसिकली कल हमारा लास्ट सेशन होने आज हमारा लास्ट सेशन होता लेकिन कल की क्लास नहीं होने के कारण तो प्रोबेबली हमें एक दिन और एक्सटेंड करना पड़ेगा, वो हम फ्यूचर में कभी करेंगे। तो मैंने और कुछ पॉइंट्स नोट किए जो हमारे लिए जानना और सीखना जरूरी है। मैंने ऑलरेडी बुक मैनुअल आपके साथ शेयर किया है तो आप पढ़ ही सकते हैं। जस्ट कुछ लर्निंग पॉइंट्स तो राधेश्याम पूरे क्लास में बता रहे थे कि हमारा जो एज अ वैष्णव हमारा जो टाइम होना चाहिए वो 8:8:8 आवर्स के रेशो में डिवाइड होना चाहिए। 24 घंटे में से 8 घंटे शरीर की नीड, 8 घंटे आत्मा की नीड्स और 8 घंटे परोपकार का कार्य। इस तरीके से एक भक्त का जीवन होना चाहिए। मतलब ये जनरली ब्रह्मचारी इसके लिए कहा गया था और जो स्टूडेंट्स हैं या जॉब होल्डर्स हैं या गृहस्थ हैं उसमें थोड़े से अलग अलग एडजस्टमेंट हो सकता है, पर 8 घंटे शरीर की नीड ये तो इसको तो देना ही पड़ेगा। जिसमें 6 घंटा 5.5-6 घंटा या 6.5 घंटा सोना, स्नान करना, भोजन करना इत्यादि, ये 8 घंटे में होना चाहिए। जनरली हमारा ये एक्सटेंड कर जाता है 8 से 10 घंटे भी ले जाता है, तो वो 8 घंटे होना आइडियल है। और 8 घंटे आत्मा की नीड्स जिसमें 2 घंटे चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, सेवा इत्यादि ये सब आ जाता है। और एज ए ब्रह्मचारी 8 घंटे प्रचार कार्य में लगना चाहिए, दूसरे के प्रचार कार्य में। इस तरह ये 24 घंटे पूरे होते हैं। गृहस्थों या स्टूडेंट्स के लिए कैसे हो सकता है, 8 घंटे बॉडी की नीड्स, फिर 8 घंटे अपना भक्तिमय कार्य जिसके अंदर श्रवण कीर्तन प्रचार कार्य आ गया, और 8 या 8 का वो 6 भी हो सकता है, और जो बचा 8 घंटा है वो प्रोफेशन या पढ़ाई 8 से 10 घंटा। तो इस रेशो से भी चलेंगे तो आपको लगभग आपकी पढ़ाई के लिए 8 से 10 घंटा दिन का मिलता है। अपार्ट फ्रॉम मान लीजिए अगर देखिए 10 घंटे पढ़ाई तो 8+2 10 आवर्स पढ़ाई, 8 आवर्स फॉर बॉडी, बचे 6 आवर्स, सो दैट कैन बी स्प्रेड, दैट कैन बी गिवन फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस तरीके से प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना एज अ डिवोटी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारा समय बहुत कीमती है और अगर हम प्रॉपरली टाइम को मैनेज करेंगे तो काफी लोगों को हमारे समय की जरूरत है। तो कुछ दिन पहले मैं अपने पेरेंट्स से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा था कि जब भी मैं घर जाऊं तो मैं इस तरह शेड्यूल करके आऊं कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है, कितने लोगों से मिलना है। मेरे मम्मी कंप्लेंट कर रही थी, तुम जब भी आते हो तो मैक्सिमम टाइम घर पे रहते हो और बहुत कम लोगों से मिलते हो और तुम्हारा समय बस इस तरह से वेस्ट हो जाता है। तुमने कहा कि क्योंकि तुमने कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए अपना लाइफ दिया है तो मेक श्योर कि दूसरों लोगों को इसका बेनिफिट मिले। तो इसके लिए जरूरी है कि मैं अपने शेड्यूल को इस तरह सॉर्ट आउट करूँ कि मैक्सिमम लोगों को तुम्हें टच कर सकूँ, तो ये उस समय काम आएगा। तो ये मेरे लिए लागू नहीं होता, सबके लिए लागू होता है। एंड एज अ डिवोटी हमारे पास सफिशिएंट समय होना चाहिए खुद के भजन साधन के लिए, बॉडीली रेस्ट के लिए और थोड़ा से मेंटल रिलैक्सेशन के लिए, लेकिन फिर हमारे पास दूसरों के लिए भी समय होना चाहिए ताकि हम उनको कृष्ण भक्ति में अग्रसर कर सके। क्योंकि हमारा मूवमेंट भजनानंदी मूवमेंट नहीं है, हम लोग भजन परायण लोग नहीं है, हम लोग थोड़े से प्रचार गोष्ठियानंदी है। तो प्रचार हमारा, प्रीचिंग इज द एसेंस। दूसरा एज अ डिवोटी हमारे लिए कुछ सिद्धांत है
20% association of seniors, 20% association of juniors and 60% association of equals. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो वरिष्ठ लोगों के साथ हमें 20% संघ करना चाहिए और 20% जूनियर को साथ, लेकिन हमें 60% टाइम हमारे इक्वल्स के साथ में स्पेंड करना आवश्यक है. तो क्यों? क्योंकि इक्वल्स के साथ जब हम जूनियर्स के साथ रहते हैं तो ज्यादा सम्मान मिलता है, वो हमारे लिए रिस्की है. सीनियर्स के सामने रहते हैं तो हमारा जो असली नेचर, असली चरित्र उजागर नहीं होता. सीनियर्स के अंदर जी 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 करते रहते हम, यस प्रभु जी यस प्रभु जी. हमारी असली औकात सामने आती है जब हम फ्रेंड्स के साथ, इक्वल्स के साथ में होते हैं. तो 60% टाइम हमें इक्वल्स के साथ स्पेंड करना जरूरी है. लोग सोचते हैं केवल सीनियर के साथ स्पेंड करने से शुद्ध हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है. शुद्धिकरण इक्वल्स के साथ में होता है, हमारे ईगो का शुद्धिकरण होता है. तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. उसके बाद में एक 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 इम्पोर्टेंट सिद्धांत है जो एज अ डिवोटी हमको जानना चाहिए. आप लोगों ने कई बार सुना है, रिस्पेक्ट ऑल, एसोसिएट विद फ्यू, इंटीमेट विद वेरी फ्यू एंड फॉलो वन, है ना. तो मैं इसकी एक रोचक घटना है, अभिनव प्रो को पता है, बाकी भक्तों को नहीं पता है, तो मैं जस्ट एक रोचक घटना कुछ दिनों पहले की घटना सुना रहा हूँ. तो एक हमारा स्टूडेंट, तो मुझे जगत गुरु को मैसेज किए कि वो स्टूडेंट का मैसेज आया था कि वो मिलना चाहता है. मैंने ठीक है. तो मैंने एक दिन के बाद उस स्टूडेंट से पूछा, मैंने कहा क्यों मिलने गए थे, क्या काम था तुमको, जगत गुरु क्यों गए थे तुम? तो मैंने उसको ऐसा बोला, वो तो डर गया, बोला अरे ये क्या कह रहे प्रभु जी, मतलब इस तरह, मतलब मैं जिस टोन में उसको बोला वो तो बेचारा डर ही गया, कह रहे ऐसा क्यों प्रभु जी कह रहे, मतलब क्या वैष्णव लोग भी इस तरह बात कर सकते हैं. उसको लगा कि मतलब मतलब मैंने उसको इस टोन में पूछा, मैंने क्यों गए थे, और नहीं जस्ट मिलने, मैंने क्या रीजन था, थोड़ा मैं उसको इस तरह पुश करके उसको पूछा. वो तो डर गया, बोले प्रभु जी मुझे समझ नहीं आ रहा वैसा क्यों पूछ रहे. मैंने कहा मैं समझाऊंगा. तो वो तो बेचारा डर ही गया कि क्या भक्तों में भी ऐसा होता है कि एक एक डिवोटी दूसरे से मिल ले तो एक भक्त नाराज हो जाते हैं. उसको ऐसे ही लगा कि जनरली जैसे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में होता है कि अगर मेरा चेला दूसरे के पास चला गया तो मुझे बहुत दुख लगेगा, इस तरह की जो भावना होती है, होता है ना मेटेरियल वर्ल्ड में, हमारा हमारा जो हम जिससे हमको जो वोट दे रहा है वो दूसरे के पास चला जाए तो बहुत बुरा लगता है. तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या इस तरह का होता है, उसके मन में जाकर मुझे बहुत डाउट आ गया. और दो चार दिन तक मैंने डाउट को आंसर नहीं किया तो और डाउट थोड़ा वृद्धि हो गया, मतलब बहुत बेचारा परेशान हो गया, ये क्या प्रभु जी ऐसा क्यों बोले मुझे. फिर मैंने उसको एक दिन समझाया, मैंने समझाया कि ये एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए कि हमें सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन हमको लिमिटेड लोगों के साथ एसोसिएशन करना चाहिए. उसमें भी हमको इंटीमेसी, उसमें भी और कम लोगों के साथ होनी चाहिए, लेकिन जब सिद्धांत को फॉलो करने की बात आती है तो हमें एक व्यक्ति से गाइडेंस लेना चाहिए. जब हम मल्टीपल लोगों से गाइडेंस लेते हैं तो हम स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाते. अब आप बोलोगे कुछ दिन पहले अमोगलियर वो की एक वीडियो आई, उसमें तो लिखा था हम किससे भी गाइडेंस ले सकते हैं, और वो मतलब हाँ ये भी ठीक है, उनका कहना, उनका जो पॉइंट था मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था उस क्लिप को, मैंने सबके साथ शेयर किया था कि आजकल बहुत सारे काउंसलर्स होते हैं वो बहुत काउंसलिंग कॉन्शियस होते हैं, मतलब वो चाहते हैं उनके काउंसलर्स को पकड़ के रखना. तो इस तरह की काउंसलर की मेंटेलिटी भी ठीक नहीं है, और इस लेकिन ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट इमेच्योर है तो वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो मुझसे गाइडेंस ले रहा है, कल मैंने किसी कारण से उसको डांट लगा दी उसे गलती पर, तो वो क्या सोचेगा, अरे ये प्रभु जी मुझे डांट लगाते हैं, तो तुरंत क्या करेगा, वो प्रभु जी को रिजेक्ट करके दूसरे प्रभु जी के पास जाएगा. तो इसमें क्या होगा, जब वो दूसरे के पास जाएगा तो वो सोच रहा है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से गुरु चुन रहा हूँ, है ना. फिर दूसरा डिवोटी कुछ दिन उसको कुछ गाइड करेगा, जैसे ही वो डांट लगा देगा किसी कारण से, अब ये जो डिवोटी है इसके अंदर तो कोई सरेंडर की भावना नहीं है, ये तीसरे टीचर के पास जाएगा, तीसरे काउंसलर के पास, गाइड के पास जाएगा. तो इस तरीके से हर जगह जाएगा, और जैसे ही जब प्यूरिफिकेशन की बारी आएगी तभी भाग जाएगा. तो इस तरीके से इस व्यक्ति का कभी प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाएगा. तो जो अमोगलियरपुर ने बात बोली वो सही बात बोली है कि काउंसलर्स को काउंसलर्स को अटैच नहीं होना चाहिए, वो सच है, और स्टूडेंट को भी इस तरह मतलब इमेच्योर नहीं होना चाहिए. तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है कि इनिशियल फेज में, मुझे कृष्ण किशोर प्रभु बता रहे थे एक अच्छा पॉइंट,
कि इनिशियल फेज में स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट हम जिसको प्रीच कर रहे हैं, जब तक वो कन्विंस ना हो जाए कि यही पर्टिकुलर डिवोटी मेरे मूल गाइड हैं, मेरे माता पिता के रूप में, मतलब माई बाप यही हैं, तब तक उसे दूसरे डिवोटी के साथ में एसोसिएट करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। ये एक सिद्धांत है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बाहर का व्यक्ति इस तथ्य को सुनेगा तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में भी ले सकता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। जब तक, मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को गाइड कर रहा हूँ, लेकिन जब तक हमारा रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग नहीं हो गया कि मैं उसको डांटू, फटकारूं, पिटाई कर दूं, फिर भी वो मेरे प्रति सबमिसिव बना रहे, जब तक इस लेवल का रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं हुआ है, तब तक अगर मैं उसको किसी और के साथ एसोसिएट करने का अवसर दूंगा तो फिर उसका मेरे प्रति सरेंडर नहीं बढ़ेगा, और अगर मेरे प्रति सरेंडर नहीं बढ़ेगा तो मैं उसको गाइड भी नहीं कर पाऊंगा प्रॉपरली, उसको प्रॉपर मेडिसिन भी नहीं दे पाऊंगा, समय समय पर उसको डांट भी नहीं लगा पाऊंगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट तरीका है किसी को हम गाइड करने का और किसी से गाइडेंस लेने का। हम सारे डिवोटीज के साथ में, हम मंदिर में आते हैं, हम बहुत सारे भक्तों से मिलते हैं, सबको प्रणाम करना चाहिए, नो डाउट। हम जिसको देखते हैं उसको झुक करके हरे कृष्ण बोल करके प्रणाम करना चाहिए सबको। तो हो सकता है कि हम वैष्णव प्रणाम नहीं कर सकते, 100 ब्रह्मचारी मंदिर में सबको नहीं कर पाएंगे, तो एटलीस्ट टेम्पल प्रेसिडेंट को हम देखते हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, या कोई सीनियर वरिष्ठ भक्त है उनको फुल वांछा कल्पतरु जिस तरह पंचांग प्रणाम करना चाहिए, सन्यासी को देख के दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और अपने काउंसलर से मिल करके या काउंसलर के जो मतलब इमीडिएट डिवोटीज हैं, जैसे हमारे ग्रुप में है जगत गुरु प्रभु हैं, अमृतेश प्रभु हैं, सुंदर प्रभु हैं, तो मान लीजिए जैसे मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ तो वो आप उसी लेवल के गाइड है, मतलब आप उनसे भी पैरेलली गाइडेंस ले सकते हैं, तो इस तरह आप मिलते तो आप उनको प्रणाम करिए। तो प्रणाम हमको सबको करना चाहिए, रिस्पेक्ट ऑल, एसोसिएट करना चाहिए फिर उसमें भी कुछ लिमिटेड ग्रुप ऑफ डिवोटीज के साथ, है ना, उसमें भी इंटीमेसी और लिमिटेड ग्रुप ऑफ डिवोटीज से होनी चाहिए, और लेकिन जब फॉलो करने की बारी आती है तो एक व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। तो ये बात स्टूडेंट को भी क्लियर होनी चाहिए कि मैं किसके गाइडेंस, किससे गाइडेंस ले रहा हूँ, और गाइड करने वालों के बीच में भी आपस में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट किससे गाइडेंस ले रहा है। तो इस तरह का एक प्रॉपर रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होगा गाइड की तरफ से भी और गाइडेंस लेने वाले की तरफ से भी, तो रिलेशनशिप लंबा चलता है। कुछ दिन पहले की घटना बता रहा हूँ कि एक बच्चा था, तो वो पर्टिकुलरली किसी एक डिवोटी से गाइडेंस लेना चाहता था, लेकिन वो कनेक्ट हुआ था किसी और दूसरे डिवोटी के साथ, तो वो जो दूसरे डिवोटी के साथ कनेक्ट हुआ, जब उसने देखा कि ये जो डिवोटी उस थर्ड पार्टी से मतलब मिल रहा है, गाइडेंस लेना चाह रहा था, इनको बात काफी बुरा लगा, और आपस में उनके रिलेशनशिप भी खराब हुए, और वो स्टूडेंट भी कंफ्यूज रह गया, और समहाउ मोर ऑर लेस स्टूडेंट ने ना इधर से गाइडेंस ली ना उधर से गाइडेंस ली, और वो चलता बना, वो कहीं का नहीं रहा। तो इस तरह के सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने का तरीका है, एक प्रॉपर वैष्णव स्टाइल होना चाहिए सॉर्ट आउट करने का। वो स्टूडेंट जिसको गाइडेंस लेना था वो क्लियर कर सकता है उन व्यक्ति को कि प्रभु मैं आपसे गाइडेंस लेना चाहता हूँ, और वो जिनसे गाइडेंस लेना चाहता है वो उस फर्स्ट डिवोटी के साथ क्लियर कर लें कि प्रभु उसकी इच्छा है मेरे से गाइडेंस लेने की, तो मुझे लगता है कि मैं उसे गाइड करता हूँ, आपको क्या लगता है। इस तरह के आपस में अगर सॉर्ट आउट कर लेते तो उस बच्चे का आध्यात्मिक भविष्य बच सकता था। तो इस तरह छोटे छोटे इश्यूज को हमको वैष्णव स्टाइल में सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए कम्युनिकेशन के माध्यम से प्रॉपर, नहीं तो क्या होगा, गाइड करने वाला भी सुखी नहीं है और गाइडेंस लेने वाला भी सुखी नहीं है, तो फिर भक्ति में अध्यात्म मतलब ग्रोथ कैसे होगी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और इनफैक्ट मेरे इनिशियल स्पिरिचुअल लाइफ में, इनिशियल फेजेस में मुझे इस बात के लिए बहुत समझाया गया, बहुत सारे करेक्शन दिए गए, और इस बात के लिए मुझे कन्विंस किया मेरे काउंसलर ने कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो शुरू शुरू में आपको लगेगा कि काफी मतलब बायस जैसा लग रहा है, लेकिन नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जब तक किसी एक व्यक्ति को शरणागति नहीं होगी, आध्यात्मिक जीवन ग्रो करना कठिन है, क्योंकि वो व्यक्ति आपको फिर आपको ट्रीटमेंट ही नहीं कर पाएगा प्रॉपर तरीके से। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है जो हमको सीखना चाहिए, रिस्पेक्ट ऑल, एसोसिएट विद फ्यू, इंटीमेट विद वेरी फ्यू, बट व्हेन इट कम्स टू फॉलो, फॉलो वन। और हम और वही जैसे मान लीजिए मेरे केस में आप लोग आप मुझसे गाइडेंस लेते हैं, तो आप पूछें प्रभु जी मान लीजिए कल को आप नहीं है तो हम किसके पास जाएं, तो बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आप जगत गुरु प्रभु के पास जाइए, आप शिष्य प्रभु के पास जाइए, बहुत सारे ऑप्शन हैं, है ना। और मैं ओपन हूँ इस बात को लेकर के, लेकिन फिर भी मेरी जो मेरा स्टाइल ऑफ प्रीचिंग है, मैं क्लियरिटी रखता हूँ
कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट को मैं, तो मैं उस बच्चे को ये बताया कि देखो तुम गए प्रभु के पास, वो बात गलत नहीं है, लेकिन तुम क्या भावना लेकर के गए? क्या तुम ये भावना लेकर के गए कि मैं वहां से गाइडेंस लूंगा, हो सकता है मुझे वहां से बेटर गाइडेंस मिले? तो मैंने उसको ऑप्शन दिया, मैंने कहा तुम चाहते हो तो तुम जगत गुरु से गाइडेंस ले सकते हो, कोई समस्या नहीं मुझे, पर मुझे क्लैरिटी रखो, तुमको भी क्लैरिटी होनी चाहिए, उनको भी क्लैरिटी होनी चाहिए। बोले नहीं प्रभु मैं तो इतना सोचा ही नहीं। मैंने कहा देखो तुम नहीं सोच पाए इतना उस लेवल की डेप्थ के साथ, लेकिन ये मेरा काम है तुम्हें बताना। अब मैंने तुम्हें बता दिया है तो अब तुम उनके पास जाते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं और वो अभिन्न है, मतलब हमारा रिलेशनशिप इस तरह का है। लेकिन उससे पहले जो तुम गए, तो मैंने इस तरह तुमको क्वेश्चन पूछ के तुम्हारे मन में डाउट क्रिएट किया, जस्ट टू मेक यू श्योर कि सही तरीका क्या है। तो होप ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में और एक होता है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। ये क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस? प्रिंसिपल बैलेंस का अर्थ होता है थिंग्स दैट वी लाइक टू डू, थिंग्स दैट वी हैव टू डू, एंड थिंग्स वी हैव बीन आस्क्ड टू डू, तो देयर मस्ट बी अ बैलेंस। ये बहुत बार मैंने आपको बताया है। तो थिंग्स दैट वी हैव टू डू, आप इस कौन में है तो कुछ चीजें आपको करनी ही है, जप करना ही है, चार नियमों का पालन करना ही है, प्रसाद खाना ही है, एकादशी करना ही है, थिंग्स दैट यू हैव टू डू। हैव टू डू मतलब अच्छा लगे बुरा लगे डजंट मेक एनी डिफरेंस, सुबह उठना ही है, स्नान करना ही है, वो अच्छा लगे बुरा लगे फिर भी करना है। फिर कुछ होता है थिंग्स दैट यू हैव बीन आस्क्ड टू डू, आपकी अथॉरिटी ने, आपकी सेवा अथॉरिटी ने, अन्य वैष्णवों ने किसी ने आपको सेवा लगा रखी है तो आपको करना है वो सेवा, और थिंग्स दैट यू लाइक टू डू, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आपको करना पसंद है विद इन द पेरिफेरी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसका एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। जो व्यक्ति केवल वो करेगा जो उसको अच्छा लगता है तो वो ग्रोथ नहीं होगी, कोई व्यक्ति केवल वो कार्य करेगा जो उसे कहा गया है तो वो मशीन बन जाएगा, और केवल व्यक्ति उतना ही करेगा जितना उसको करना है तो भी उसे तो फिर उसकी कुछ ग्रोथ नहीं होगी। तो इस तरीके से देयर हैज टू बी अ प्रॉपर बैलेंस तीनों चीज का, तो व्यक्ति एक हैप्पी स्पिरिचुअल लाइफ जीता। एक कहावत है हम जयप्रदा का, हमारे स्टेटमेंट देते हैं वी वॉन्ट मोर डिवोटीज एंड हैप्पी डिवोटीज। इट्स नॉट जस्ट वी वॉन्ट मोर डिवोटीज, वी वॉन्ट मोर डिवोटीज एंड हैप्पी डिवोटीज। एक भक्त मेरे पास आया कुछ दिन पहले, बोल रहे प्रभु जी मुझे आई एम नॉट फीलिंग हैप्पीनेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो मैंने कहा तुम सुबह उठते नहीं हो, बैठ के जप करते नहीं हो, मंगल आरती आते नहीं हो, उसके बाद में प्रसाद खाते नहीं हो, इस तरीके से तो तुम कुछ भी तो नहीं करते हो, तो तुम्हें तुम साधना तुम्हारी जीरो है, तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज है, स्पिरिचुअल बैटरी डिस्चार्ज है, इसलिए तुम यू फीलिंग अनहैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो यू आर नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इनफैक्ट अनहैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कुछ नहीं होता। इफ यू आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस देन यू कैन नॉट बी अनहैप्पी। तो यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग प्रॉपर साधना, एंड दैट इज द रीजन यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी इन स्पिरिचुअल लाइफ। The moment you'll start again, you'll continue your sadhana, you'll resume your sadhana, you'll feel happy. So the moment you're not feeling happy in Krishna consciousness, make it a point that somewhere we are compromising with our sadhana. Sadhana अच्छे से नहीं हो रही है, जब ठीक से नहीं हो रहा है, श्रवण कीर्तन ठीक से नहीं हो रहा है, अध्ययन नहीं हो रहा है, सुबह उठना नहीं हो रहा है, मंगल आरती नहीं हो रही है, तो आप समझ लीजिए इसलिए आपका happiness index गिर गया है। और एक भक्ति तुम्हारा कोट देते हैं, दैट व्हेन यू आर अनहैप्पी और डिससैटिस्फाइड दैट शो दैट यू आर फॉरगेटिंग योर आइडेंटिटी एंड पर्पस। तो कभी भी हम दुखी होते हैं, कभी कभी बीच बीच में होता है हमारा मूड स्विंग होता है, तो जैसे ही मूड स्विंग होता है तो आप देखिए आपका मूड स्विंग कब होता है, उस जिस मोमेंट में मूड स्विंग होता है आप ऑब्जर्व करिए, उस समय आप अपने पर्पस से च्युत हो गए, मतलब आप साइड हट गए, तो उस समय मूड को वापस से लाने का तरीका है सिट फॉर अ वाइल, फोकस ऑन योर, फोकस करिए आप कि आप मतलब क्या आपको एग्जैक्टली अचीव करना है, उसको फिर से नोट डाउन करिए, मेक इट अ पॉइंट लिखिए, और फिर आप उसमें वापस से आपको उत्साह आ जाएगा। कुछ दिन पहले घटना हुई, आई वॉज फीलिंग वेरी मच डिस्करेज्ड, मतलब मैं उदास महसूस कर रहा था। मैं ये जो पॉइंट बता रहा हूँ, बाकी जो सुबह उठना कैसे है, नहाना कैसे, धोना कैसे, बता चुके हैं सब पॉइंट्स, और बहुत सारी चीजें, प्रणाम कैसे करना है, डीटीज को मंदिर में कैसे बिहेव करना है, दूसरों ये सब है, आप पढ़ सकते हैं मैनुअल में। मैं जो आज चर्चा कर रहा हूँ वो वैष्णवों का एक आचरण जो एवरीडे बेसिस पे हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में काम आने वाला है, जस्ट वो पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स मैंने 100 बार चर्चा की है, नया कुछ भी नहीं बता रहा हूँ जस्ट, लेकिन ये बारंबार सुनने वाले पॉइंट्स है। तो मैं एक केस स्टडी बता रहा हूँ। फ्यू डेज बैक आई वॉज फीलिंग लिटिल बिट डिस्करेज, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर रिजल्ट, या उत्साह नहीं आता है, उत्साह घट जाता है, ये तो होता ही है,
आध्यात्मिक जीवन में इस तरह से, विशेष रूप जब हम प्रैक्टिसिंग स्टेज में होता है, तो हमारा साइन कर्व चलता है, अप एंड डाउन चलता रहता है। तो वो उस दिन थोड़ा डाउन चल रहा था और मैं डिस्करेज था। तो मैं डिस्करेज था, हर चीज जो कार्य कर रहा हूँ उसमें फेलियर मिल रहा है, मेरे एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट में हो रहा है, या मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दूसरे डिवोटी से देख रहा हूँ वो कितना अच्छा कर रहे हैं। तो एक सेंस में फ्रस्ट्रेशन का अनुभव हो रहा है, एक सेंस में गिल्ट का अनुभव हो रहा है, एक सेंस में एनवी का अनुभव हो रहा है। तो काफी मिक्स्ड फीलिंग्स होती है जब इस तरह की, और नेगेटिविटी के प्रति अग्रसर है तो काफी डिस्करेज और डिप्रेस लगता है। तो मैं बैठ गया और मैंने कहा चलो मैं अब नोट करता हूँ मैं कर क्या सकता हूँ, चलो मैं लिस्ट बनाता हूँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो मैंने लिस्ट बनाना शुरू किया, मैं सुबह कम से कम 3:30 बजे उठ सकता हूँ। चलो मैं मतलब अगर मैं इसमें सक्सेसफुल हूँ कि मैं सुबह 4 बजे उठ सकता हूँ, तो मैं दुनिया के अधिकांश लोगों से ज्यादा सफल हूँ। एक ऐसा नहीं आता स्टेटस पे, आपने व्हाट्सएप में देखा होगा कि अगर आपके पास 2 वक्त का खाना है तो आप दुनिया के मतलब 75% लोगों से श्रेष्ठ हैं। मतलब ठीक है, तो आप क्वालिफाई कर गए, आप इस्कॉन में अगर आप सुबह 4 बजे उठ सकते, चलो मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं 16 माला का जप कर सकता हूँ, बिग डीड। अच्छा मैं भगवद गीता पढ़ सकता हूँ, गुड। मैं भागवतम पढ़ सकता हूँ, गुड। उसके बाद मैं सर्विसेज में क्या कर सकता हूँ, तो मैंने कहा कि मैं हफ्ते में 3 क्लासेस दे सकता हूँ, और कुछ मैं 20 बच्चों को काउंसलिंग कर सकता हूँ। मैं लिस्ट किया, मैं नोट डाउन किया उसको, ऑन पेपर लिखा मैंने। तो फिर मैं लिस्ट को फिर जब पढ़ा, मैंने कहा नहीं यार, मैं इतना आई एम नॉट सो सो मच यूजलेस, मैं इतनी चीजें कर सकता हूँ। तो वापस मेरा उत्साह रिगेन कर गया। मतलब मैं इतना यूजलेस नहीं हूँ, मतलब मेरे अंदर भी कुछ क्षमता है, मैं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हमें अपने आप को, देखिए भक्ति जीवन में हमको उठाने का काम हर व्यक्ति हर समय नहीं करेगा। जैसे जो कह रहे हैं डीटी वर्शिप भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो कुछ नहीं हो डीटी वर्शिप तो कर ही सकते हैं। मानो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए 7 सप्तों के एक्सपेक्टेशन में खड़े नहीं उतरेंगे, उनको रिजल्ट नहीं देंगे, ना उनको ब्रह्मचर्य देंगे, ना उनको डोनेशन देंगे, तो कम से कम डीटी वर्शिप तो कर ही सकते हैं। प्रभु जी तो मेरे पीछे पड़े हर दिन, बोलते रिजल्ट क्या है तुम्हारा, रिजल्ट क्या है, क्या किया तुमने 5 साल में। मैंने प्रभु जी कुछ नहीं किया अभी तक, तो 5 साल टिक गए यही बहुत बड़ा रिजल्ट है। भक्ति जीवन 5 साल टिकना ही ये बहुत बड़ा अपने आप में रिजल्ट है। तो सप्तम लिखा है थिंकिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट, हाँ केवल थिंक किया है उसको, मैनिफेस्ट नहीं किया, वो अनमैनिफेस्टेड स्टेट में रह गया। तो जो भी है, इस तरीके से आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं कि आपको हर समय कोई खींचेगा, आपको खुद को ही संभालना है ना। तो थोड़ा दिन उत्साह घटेगा उठेगा, तो इस तरीके से वैष्णव का सबसे बड़ा सदाचार यही है कि ऐसा कहा जाता है। आज मैं आचरण के ऊपर बोलने वाला था, बहुत सारे पॉइंट्स से बोलने के लिए, प्रीचिंग, राधा नाम माने कहते हैं प्रीचिंग क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीचिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस दैट यू आर हैप्पी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीचिंग इज टू बी हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर आप खुश हैं अपने आध्यात्मिक जीवन में, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रीचिंग है ना। मैं एक दिन अपने काउंसलर से बात कर रहा था, चेतन चंद्र से, प्रोजी कह रहे हैं है ना कि मतलब सोसाइटी में बहुत ब्रह्मचारी है लेकिन मुंह लटकाए हुए हैं। ऐसा नहीं कि इस्कॉन में, मतलब इस्कॉन में काफी ब्रह्मचारी, लेकिन काफी ब्रह्मचारी मुंह लटका के रखे हैं, मतलब उनके जीवन में कोई उनको उत्साह नहीं दिखता है। तो हमें ब्रह्मचारी रहना है, वही सफलता नहीं, हमें उत्साही ब्रह्मचारी या एंथुजियास्टिक रहना जरूरी है ना। मतलब पॉइंट चल रहा था कि क्या हमारा फोकस होना चाहिए स्टूडेंट्स को ब्रह्मचारी बनने के ऊपर, इंस्पायर करने के लिए। तो प्रभु जी ने, क्या फायदा ब्रह्मचारी बन के अगर उसका मुंह लटका हुआ है, तो बेटर है गृहस्थ बने, परिवार में रहे लेकिन कम से कम खुश रहे। आध्यात्मिक जीवन तो जब तक तो खुश आदमी खुद ही खुश नहीं है, तो दूसरों क्या प्रचार करेगा और क्या भक्ति कर रहा है। कृष्ण का संस्पर्श में आकर के व्यक्ति खुश नहीं है, तो इसका मतलब कृष्ण के संस्पर्श में है ही नहीं। कृष्ण तो आनंद आनंद कंद है, आनंद के रूट है, उनके संस्पर्श हम है लेकिन हमारे जीवन में आनंद नहीं है। तो ये तो काफी मतलब बोलते हैं ना, आयरनिकल हो गया। तो इस विषय पे चर्चा हो रही थी, तो वही है कि कमिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इजी, वेरी इजी, गोइंग अवे इज वेरी इजी, सस्टेन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। तो कुल मिलाकर के भक्ति में टिक जाए, यही सारे सदाचार, सारे जो आचार हम सीख रहे हैं, उसका पर्पज क्या है? उसका पर्पस एक्सटर्नल दिखावा करना नहीं है, उसका पर्पस है कि हम बस इन सब टूल्स एंड टेक्निक्स के माध्यम से आध्यात्मिक जीवन में टिक जाए, यानी टिके रहिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और लास्ट पॉइंट जो आज की क्लास के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कि एक सबसे बड़ा जो आचार है वैष्णव का, वो है प्रचार। आचार का मतलब उसको प्रचार पे फोकस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि
वी नीड अ कम्युनिटी, है ना। जैसे मान लीजिए मैं कुछ सीख रहा हूँ, मैं कुछ पढ़ता हूँ, तो मेरे पास उत्साह रहता है उसको पढ़ने का सुनने का, क्योंकि मेरे पास एक ग्रुप है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो लेकिन आप लोग को पढ़ने में उत्साह नहीं आता है, मैं देखता हूँ आप लोग को बुक्स पढ़ने में रुचि नहीं है या सुनने में रुचि नहीं, तो कारण ये कि आप लोग के पास कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसको आप सुना सकें। तो कम्युनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है ना। मैं संबित प्रो को हर दिन डांट लगाता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हारा तुम्हारा टीम वर्क जीरो है, तुम टीम प्लेयर नहीं हो, तुम सिंगल प्लेयर हो। सिंगल प्लेयर से संकीर्तन मूवमेंट का अर्थ होता है सब मिलके कीर्तन करें। सिंगल प्लेयर होता है कर्मी जगत में या तो योगी ज्ञानी जगत में। देखो योगी लोग होते हैं वो ध्यान करते हैं, वो सिंगल प्लेयर होते हैं। हिमालय में एक गुफा में एक मिल जाएगा आपको, दूसरी गुफा में दूसरा मिल जाएगा, तीसरी गुफा में बैठे दूर दूर में, तो वो लोग सिंगल प्लेयर्स होते हैं। उसी तरीके से ज्ञानियों में एक स्पेकुलेटर है, वो अपना ज्ञान का वो स्पेकुलेशन कर रहा है, दूसरा ज्ञानी अपना स्पेकुलेट कर रहा है, तीसरा अपना स्पेकुलेट कर रहा है, उनके कोई आपस में मेल नहीं है। उसी तरीके से जो कर्मी जगत में होता है उनमें तो वैसे ही अकेले अकेले चलते हैं, एकला चला, क्योंकि साथ में आने से उनको कॉम्पिटिशन लगता है। वो तो आगे दौड़ने की होड़ में रहते हैं, तो सबसे आगे होना चाहते हैं, तो अकेला होना ही चाहते हैं, वो चाहते हैं बाकी सब उनसे पीछे रह जाए, उनको अकेला चलना है। लेकिन जो हमारा मूवमेंट है वो है संकीर्तन, सम्यक कीर्तन, मतलब हम लोग हम सब मिल करके, है ना, सब लोग मिल करके कीर्तन कर रहे हैं, तो ये हमारा मूवमेंट है। तो हम लोग टीम प्लेयर है एक्चुअली, हम लोग सिंगल प्लेयर हमारे लिए ठीक नहीं है। तो एवरी वन ऑफ अस वॉन्ट अ कम्युनिटी, कम्युनिटी चाहिए हमको। तो ये अपने आध्यात्मिक जीवन को सिक्योर करने के लिए हमें हर व्यक्ति को अपनी कम्युनिटी बनाना चाहिए। वो बना सकते, मान लीजिए अभिनव प्रभु हैं, तो आप पांच लोगों के साथ में पांच लोगों की ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, तो आपकी कम्युनिटी, तो आपने कुछ सीखा सुना आप उनको साथ शेयर करिए। प्रभुरंजन को इस तरह कर सकते, रोशन को इस तरह कर सकते, सब लोग अपनी अपनी कम्युनिटी। इसमें सत्यम प्रभु काफी सक्सेसफुल है, उन्होंने किया। तो हर व्यक्ति अपनी कम्युनिटी अगर करके रखे तो उससे क्या होगा कि उसके पास एक सेटिस्फेक्शन रहेगा सीखने का, सुनने का और सुनाने का, बताने का। तो ये इससे हमारी एक आध्यात्मिक जीवन काफी सिक्योर हो जाएगा। अदरवाइज क्या फीका फीका लगेगा। देखिए कुछ दिन तक हम एकला एकला चल सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद में तो हमको कम्युनिटी की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए, ऑफकोर्स उसके लिए एक अलग सेमिनार हो सकता है, उसके प्रैक्टिकल टिप्स हो सकते हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हैं, बहुत सारे सेल्फ हेल्प बुक्स होती है। पर कम्युनिटी बिल्डिंग हर जगह जरूरी है, चाहे वो स्पिरिचुअल सर्कल में जरूरी हो, चाहे वो एकेडमिक सर्कल में जरूरी हो, चाहे प्रोफेशनल कैरियर में जरूरत हो, कहीं भी कम्युनिटी बिल्डिंग तो सब जगह काम आता है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन लीला करी कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए, उन्होंने गोवर्धन उठाने से भगवान इंद्र ने मतलब जो क्या अपराध किया, इंद्र ने अपराध किया मतलब वैष्णवों को मारने के लिए कोशिश करी, है ना, गौ हत्या करने का प्रयास किया, वैष्णव हत्या करने का, ब्रजवासियों की हत्या करने का प्रयास किया। इंद्र ने तो संवत्सर क्लाउड को बोल दिया था कि सब मरने चाहिए और सबसे आखिरी में नंद महाराज को मारना। तो आखिरी में क्यों मारना था कि नंद महाराज देखे, देखो एक लड़के की बात सुन करके आपने किस तरीके से एक छोटे बच्चे की बात सुन करके मेरी पूजा रोक दी, तो मैं चाहता हूं कि सब मरे, कृष्ण भी मर जाए, सारे ब्रजवासी मरे और नंद महाराज लास्ट में मरे। तो देखिए देवता होकर कितना डेमोनिक मेंटेलिटी था इंद्र का, लेकिन इंद्र ने स्तुति करी, भगवान संतुष्ट हो गए और भगवान फिर कुछ बोले कि इंद्र कोई बात नहीं, ऐसा होता है, बेटा ठीक है जाओ तुम अपना काम करो इस तरीके से। लेकिन ब्रह्मा जी ने तो इस तरह का कोई व्यू नहीं, ब्रह्मा जी ने किसी को मारने का प्लान नहीं किया था, कुछ समय के लिए केवल अपने ग्वाल बाल बछड़ों को भगवान से दूर कर दिया था कुछ समय के लिए। लेकिन इतनी स्तुति करी ब्रह्मा जी ने, भगवान ने एक जवाब भी नहीं बोला, यस नो मे बी कुछ भी नहीं बोला। तो आचार्य लोग बताते क्यों ऐसा हुआ, ब्रह्मा जी की बात, भगवान ने ब्रह्मा जी ने तो किसी को मारने के लिए प्लान नहीं किया, ना गौ हत्या का प्लान किया, ना ब्रजवासी को मारने, केवल उनने कुछ समय के लिए छुपा दिया उनको। लेकिन इंद्र ने तो मारने का प्रयास किया, कितना बड़ा वैष्णव अपराध किया, लेकिन इंद्र को कृष्ण ने क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी को नहीं। कारण यह है कि इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने ऐसा लीला करवा दी भगवान से कि सारे ब्रजवासी कृष्ण के पास में आ गए, कम्युनिटी बिल्ड हो गई। लेकिन ब्रह्मा जी ने कृष्ण से भक्तों को दूर कर दिया इसलिए ब्रह्मा जी से भगवान कृष्ण काफी नाराज थे। लेकिन इंद्र ने क्या किया, भगवान 7 दिन 7 रात ऐसा लॉकडाउन लगाया कि अब सबको क्वारंटीन में रहना पड़ा कृष्ण के साथ में, तो कृष्ण को वो पसंद आया तो ये एक इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट जो लेसन हमको मिलता है इस लीला से,
कि भगवान हमेशा कम्युनिटी बिल्डिंग के उस बिल्डिंग के मूड में रहते हैं, वो चाहते हैं कि भक्तों के साथ कम्युनिटी। और ये तो गीता में लिखा भी है, मत चित्ता मदगत प्राण बोध्यंतश्च परस्परम, जो आनंद मिलता है भक्तों कथ्यं तस्य मानित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, ये आपस में मेरी कथा परस्परम, भगवत श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, हरो कथनं पावनं परस्पर सुमतिशा मिथो रति मितो तुष्टि निवृत्त मितात्मना। तो इस प्रकार से मेरे भक्त क्या करते हैं, परस्पर अनुकथनम, अनुकथन मतलब कॉन्स्टेंटली आपस में मेरी कथा करते रहते हैं, पावनो भगवत दिशा, मेरे यश गान करते हैं जो जिनको पावन करता है। मिथो रति आपस में उनको रति आना, उनको उनका आपस में क्या बनता है, प्रेम, प्रेम बढ़ता है। हम सबका आपस में प्रेम क्यों है, कि हम लोग आपस में मिलकर कृष्ण कथा कर रहे हैं। मिथो रति मिथो तुष्टि सेटिस्फेक्शन मिलता है, और निवृत्ता मिता आत्मना, और आपस में हम एक दूसरे को इंद्र तृप्ति भूलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हम सब इंद्र तृप्ति के दीवाने हैं, कोई यह नहीं बोलता था कि हम सब इंद्र तृप्ति नहीं चाहते, मतलब काम क्रोध लोभ विशेष रूप से, मतलब ये सब हमारे दिमाग के अंदर भरा हुआ है, लेकिन आपस में हम कृष्ण कथा के माध्यम से एक दूसरे को मिथो निवृत्ता मिता आत्मना, और निवृत्त करने का, इंद्र तृप्ति से निवृत्त करने का, सफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कम्युनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जितने हमने वैष्णव सदाचार सीख रहे हैं, इसका अल्टीमेट मूल लक्ष्य क्या है, उसका लक्ष्य है कि हम कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं वैष्णवों की, एक वैष्णव कम्युनिटी में कैसे रहें, किस तरीके से वैष्णव कम्युनिटी को फ्लरिश करें, ताकि हम इन गोल्स को मिथोरति मितो तुष्टि निवृत्ता मिता आत्मना, इन गोल्स को अचीव कर सके। तो काफी मतलब टेक्निकल है, तो इसलिए हमको चाहिए कि ये इन प्रिंसिपल्स को हम सीखें, और ये ऑप्शनल नहीं है, प्लीज इसको माइंड मत मतलब माइंड करेगा, ये ऑप्शनल नहीं है। कम्युनिटी बिल्डअप करना कृष्ण कॉन्शियसनेस में ऑप्शनल नहीं है, ये बहुत जरूरी है। और कृष्ण कथा केवल सुनने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बोलने की आदत डालनी पड़ेगी, तब तो कम्युनिटी बिल्डअप होगी। हर व्यक्ति अपनी कम्युनिटी बिल्डअप करे, है ना, ये जो आप लोग जो कम्युनिटी, वो मेरी कम्युनिटी में, मतलब ये मेरे प्योरिफिकेशन के लिए ठीक है। आप सबको अपनी अपनी एक कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। और हम आजकल हमारे पास देखिए, मैं तो मानता हूँ कि ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है, कुछ नहीं कर सकते तो आप एक काम करिए, सब लोग अपना अपना यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, और सब कुछ कुछ शॉर्ट्स बनाइए, कुछ कुछ क्लासेस रिकॉर्ड करके डालिए, क्या क्या दिक्कत है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। भगवान का विशेष आयोजन है कि आज के समय में सब अलग होकर के भी सब एक है एक यूनिकनेस है ना, आप अपने रूम में रह करके लाखों लोग की कम्युनिटी बना सकते हैं। मैं देख रहा था कुछ दिन पहले केशवन प्रभु के कुछ लेक्चर्स को अभी रिसेंटली ऑब्जर्व कर रहा था, उनके 18-19 हजार सब्सक्राइबर हैं, तो मैं देख रहा था कि तो कितना अच्छा है, मतलब वो अपने ही मतलब आश्रम में रह करके, और उसके बाद कितना अच्छा, माधवन प्रभु को देखिए आप, वो अपने आश्रम में रह करके कितना बड़ा कम्युनिटी को कैटर कर रहे हैं स्पिरिचुअल नीड्स को। तो ये आज की टेक्नोलॉजी हमको असिस्ट कर रही है, आज हमको कहीं जाना नहीं है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करना नहीं है, है ना, इतने बड़े बड़े मंदिर बनाना या करना, भक्तिविनोद ठाकुर ने एक्चुअली मना किया है। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि इस तरह का रिस्की प्रोजेक्ट करना, बहुत बड़े बड़े मंदिर, देखिए हम देखते हैं ना मंदिरों में मैनेजमेंट में इतना एनर्जी चला जाता है मंदिर को मैनेज करना, जैसे हमारे मंदिर में देखिए 5 मतलब 3 ऑल्टर, फिर उसके बाद समाधि मंदिर, उधर पे राधा गोपीनाथ का ऑल्टर, कितने पुजारी, कितना मेंटेन करना पड़ता है उसको। तो फिर जो मैनेजर्स का जो मूड एंड मिशन हो जाता है, वो होता है कैसे टेम्पल मेंटेन हुए, कैसे टेम्पल प्रोग्राम रेगुलरली चले, कैसे आरतियां प्रॉपर टाइम समय पे हो, कैसे भोग समय पे लगे, तो उसके लिए फिर फंड जनरेट करो, तो उनका पूरा फोकस चेंज हो जाता है। तो अब प्रश्न होता है श्रवण कीर्तन के ऊपर, जो भक्तों के नरिशमेंट के ऊपर, उस पर तो ध्यान हट जाता है, क्योंकि आपका गोल हो जाता है फंड्स रेज करो और मैन पावर करो, इतना बड़ा मंदिर आपको चलाना है। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने तो मना किया है कि क्षमता नहीं है तो नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुमाज बोलते हैं कि मैं उज्जैन में मतलब इस तरह से 5-5 ऑल्टर करके, मतलब गुरुमान बोल रहे थे कि मतलब इट्स अ काइंड ऑफ मतलब ब्लंडर, एक सेंस में एग्जैक्टली ब्लंडर वर्ड नहीं यूज किए, तो बोले कि ये बहुत इट्स वेरी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बहुत बड़ा काम हो गया, क्योंकि कृष्ण बलराम गौर नेताय जगन्नाथ बलदेव नरसिंह देव और राधा मदन मोहन, 5-5 ऑल्टर को मैनेज करना, तो डिफिकल्ट टास्क। तो ऑफकोर्स लेकिन श्रवण कीर्तन है मेन एसेंस, तो और आपकी कम्युनिटीज को श्रवण कीर्तन पर ज्यादा फोकस करना है। तो